आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल को मेजर करने के लिए कौन कौन सा सिस्टम यूटिलाइज किया जाता है? तो एंगल के मेजरमेंट के लिए 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं। तो हम लिखेंगे कि देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। फर्स्ट है सेक्साजेसिमल सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। सेकंड आपका है सेंटीसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। और थर्ड आपका है सर्कुलर सिस्टम। अब इसमें से हम 1 by 1 करके तीनों सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है और इसमें एंगल को किस प्रकार मेजर किया जाता है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट था सेक्साजेसिमल सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम के अनुसार एंगल का मेजरमेंट डिग्री में किया जाता है, इसलिए इस सिस्टम को डिग्री मेजर भी कहा जाता है। तो हम इसमें लिखेंगे इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज डिग्री, सो इट इज पॉपुलरली नोन एज डिग्री मेजर। ए डिग्री इज डिफाइंड एज, जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी एक पॉइंट के अराउंड मूव किया जाता है तो 1 रिवॉल्यूशन के बाद 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, यानी सर्किल के सेंटर के अराउंड 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। अब इस 360 डिग्री एंगल को अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इस पॉइंट का ईच पार्ट जो है 1/360th पार्ट होगा। तो 1/360th पार्ट जो है आपका 1 डिग्री कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इफ द रोटेशन from initial side to the terminal side is 1/360th of a revolution, then the angle is said to have a measure of 1 degree and written as अब सेक्साजेसिमल सिस्टम को हिंदी में हम लोग कहते हैं षट दशांशक पद्धति। षट का मतलब होता है 6, यानी 6 दहाएं, यानी 6 tens are 60। तो सेक्सा का मीनिंग हुआ 60। तो इसमें ईच डिग्री जो है आपका 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक एंगल जो है उसको हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 डिग्री एंगल को जब हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका ईच पार्ट जो है 1/160th होगा। तो 1/60th पार्ट ऑफ ए डिग्री इज नोन एज मिनट। तो हम कह सकते हैं
कि ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड 1/60th ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड मिनट एंड इट इज रिटन एज 1 डैश। मिनट को इंडिकेट करने के लिए डैश सिंबल का यूज किया जाता है। अब 1 मिनट जो है उसको अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 1 मिनट के जो 60 इक्वल पार्ट्स होंगे उसमें से ईच इक्वल पार्ट्स 1/60th पार्ट ऑफ मिनट होगा। तो 1/60th पार्ट ऑफ मिनट को हम सेकंड कहेंगे। तो हम आगे लिखेंगे फर्दर ईच मिनट इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स 1/60th ऑफ ए मिनट इज कॉल्ड सेकेंड एंड रिटेन एज 1 डबल डैश। दस अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, अब जैसा कि आपने देखा कि सर्कल को जब हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो ईच पार्ट 1 डिग्री कहलाया। अब अगर इस सर्कल को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका ईच पार्ट जो है क्वाड्रेंट कहलाएगा और क्वाड्रेंट का एंगल जो है 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के बीच का पार्ट जो है आपका यानी 90 डिग्री का जो एंगल हुआ उसको हम राइट एंगल बोलेंगे। तो राइट एंगल जो है आपका 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो हम कह सकते हैं कि 1 राइट एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल होगा। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकंड फिगर में आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री जो है 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था और ईच इक्वल पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं मिनट। ईच इक्वल पार्ट्स को बोलते हैं मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होगा। थर्ड डायग्राम में 1 मिनट जो है 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ईच पार्ट जो है सेकंड कहलाता है तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल होगा। अब आप इसको राइट डाउन कर लें तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड सिस्टम हमारा था सेंटासिमल सिस्टम, जिसे फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट ग्रेड में किया जाता है, इसलिए इसको ग्रेड मेजर सिस्टम भी कहा जाता है। तो हम इसमें लिखेंगे इन सेंटीसिमल सिस्टम एन एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड सो इट इज पॉपुलरली नोन एज ग्रेड मेजर। सेंटीसिमल शब्द जो है वो सेंट शब्द से ओरिजिनेट हुआ है और सेंट मीन्स होता है 100। तो इस सिस्टम में राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और ईच पार्ट जो है इसका 1/100th होगा और 1/100th पार्ट को 1 ग्रेड कहा जाता है। तो इस सिस्टम में सपोज दैट मान लीजिए कि ये आपका राइट एंगल है।
अब इस राइट एंगल को अगर हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इसमें से ईच पार्ट जो है आपका वन ग्रेड कहलाएगा। उसी तरह से अगर एक ग्रेड को अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ईच पार्ट जो है इसका 1/100th पार्ट होगा और इस पार्ट को हम बोलेंगे 1 मिनट। इसी प्रकार अगर हम 1 मिनट को भी अगर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ईच पार्ट इसका 1 सेकेंड होगा और इसे हम 1 सेकेंड बोलेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम में 1 राइट एंगल जो है उसमें 100 ग्रेड होता है और 1 ग्रेड में 100 मिनट्स होता है और 1 मिनट में 100 सेकेंड होता है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड। वन ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड। अब आप इसको राइट डाउन कर लें तो फिर इसके बाद लास्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट दैट मीन्स सर्कुलर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर का मतलब होता है वृत्तीय और सिस्टम का मतलब होता है पद्धति, दैट मीन्स वृत्तीय पद्धति। इस सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट रेडियन में किया जाता है इसलिए इस सिस्टम को रेडियन मेजर भी कहा जाता है। तो हम इसमें लिखेंगे इन सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन सो इट इज पॉपुलरली नोन एज रेडियन मेजर। अब यहाँ पे एक वर्ड आया रेडियन, तो रेडियन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ए रेडियन इज डिफाइंड एज, तो रेडियन का डिफिनीशन होता है कि सर्कल के रेडियस के इक्वल लेंथ वाले आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन एंगल कहलाता है। तो हम लिखेंगे द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड ए रेडियन एंड रिटन एज 1 to the power c एंड रीड एज 1 रेडियन। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं एक सर्कल शो किया गया है। अब अगर इस सर्कल का सेंटर ओ हो और इसका रेडियस ओ ए हो जिसका लेंथ आर हो, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट बी है, तो सर्कल का जो कंटिन्यूअस पीस होता है यानी सर्कमफ्रेंस का जो पीस होता है उसको हम आर्क कहते हैं। तो ए बी हमारा आर्क होगा। अब इस आर्क का लेंथ अगर आर हो यानी रेडियस के इक्वल हो तो इस आर्क ए बी द्वारा सेंटर ओ पर जो एंगल बनेगा
ओ एंगल आपका वन रेडियन एंगल कहलाएगा। तो अब हम लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल सी ओ आर एंड ए बी बी एन आर्क ऑफ द सर्कल सच दैट ए बी इक्वल्स टू आर। तो जब ए बी आर के इक्वल होगा तो एंगल ए ओ बी का वैल्यू वन रेडियन हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी जब वन रेडियन हो जाएगा तो एंगल ए ओ बी जो है आर्क ए बी द्वारा बनाया गया एंगल है जिसका लेंथ आर है, दैट मीन्स आर्क ए बी द्वारा सेंटर ओ पर बनाया गया एंगल वन रेडियन है। तो अगर इस आर्क ए बी का लेंथ अगर वन यूनिट हो तो सेंटर पे बनाया गया एंगल वन बाई आर होगा। दैट मीन्स एन एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ऑफ लेंथ वन यूनिट इक्वल्स टू वन बाई आर। अब मान लीजिए कि आर्क का लेंथ वन के बदले अगर एल यूनिट होता तो सेंटर पर सबटेंड किया गया एंगल एल बाई आर होता। तो उस स्थिति में एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल यूनिट इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एल बाय आर। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल यूनिट इक्वल्स टू एल बाय आर। अब मान लीजिए कि आर्क एल लेंथ वाले से सेंटर पर जो एंगल बनता है वो एंगल अगर थीटा है तो लिखेंगे लेट थीटा बी एन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ एल, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। अब जब वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में अगर पॉइंट ए से हम मूव करके फिर पॉइंट ए पर जब आएंगे तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। तो इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन L इक्वल्स टू C इक्वल्स टू टू पाई आर और हमने थीटा इक्वल्स टू L बाई आर लिखा है, दिस इंप्लाइज थीटा हमारा हो जाएगा टू पाई आर बाई आर। तो R से R कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टू पाई रेडियन। और वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो हम लिखेंगे दस अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम टू पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। टू से 360 180 टाइम्स में कैंसिल होगा, दिस इंप्लाइज पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री है तो वन रेडियन का वैल्यू कितना होगा 180 बाई पाई। तो दिस इंप्लाइज वन रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री। अब यहाँ पर हम पाई का वैल्यू 22/7 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 22/7 सब्स्टिट्यूट करने के बाद वन रेडियन का वैल्यू हो जाएगा 180/22/7 डिग्री। अब 22/7 को जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180 × 7 बाई 22 डिग्री। 2 से 22 11 टाइम्स में कैंसिल होगा और 180 90 टाइम्स में कैंसिल होगा और 97 × 630 होगा तब हमारा रिजल्ट हो जाएगा 630/11 डिग्री। अब इस 630 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 57/3/11 डिग्री। तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू
57 होल 3/11 डिग्री। अब 57 होल 3/11 डिग्री मीन्स 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री, 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री। अब यहाँ पर डिग्री का सब यूनिट मिनट होता है, तो 3/11 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे और 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, तो 3/11 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हमारा रिजल्ट हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 3/11 इंटू 60 मिनट, 57 डिग्री प्लस 3/11 इंटू 60 मिनट। अब 3 को हम 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 6 3 जा होगा 180, तो अब ये रिजल्ट आपका हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 180/11 मिनट। अब हम लिखेंगे 57 डिग्री प्लस 180/11 मिनट। अब 180 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 16 होल 4/11, 11 से 180 16 टाइम्स में डिवाइड होगा और 4 रिमाइंडर बचेगा, तो इसको हम लिखेंगे 57 डिग्री प्लस 16 होल 4/11 मिनट। अब 16 होल 4/11 मिनट का मतलब हुआ 57 डिग्री 16 मिनट प्लस 4/11 मिनट, तो 4/11 मिनट को फिर से हम डिग्री में मिनट 11 मिनट को हम फिर से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 4/11 को हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो अब हमारा रिजल्ट होगा 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4/11 इंटू 60 सेकंड। अब 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 240 होगा और 240 को 11 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 27.8 टाइम्स में डिवाइड होगा, इसलिए हम फाइनल रिजल्ट लिखेंगे 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड अप्रॉक्स। अब आप इसको राइट डाउन कर लें, तो फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन। अगर हम डिग्री को डी लिखें, ग्रेड को जी और रेडियन को सी, तो हम जानते हैं कि डिग्री में 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, ग्रेड में 1 राइट एंगल में 100 ग्रेड होता है और रेडियन में 1 राइट एंगल का मतलब π/2 रेडियन होता है। तो हम रिलेशन लिख सकते हैं d/90 इक्वल्स टू g/100 इक्वल्स टू 2c/π। अब इस रिलेशन को हम एस्टेब्लिश कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे कि लेट थीटा बी एन एंगल हुज मेजर इन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन आर डी जी एंड सी रिस्पेक्टिवली। अब पहला हमारा सिस्टम जो है डिग्री मेजर है, तो अब हम लिखेंगे इन डिग्री मेजर, तो डिग्री मेजर में 90 डिग्री का मतलब होता है 1 राइट एंगल, 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 राइट एंगल, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 1/90 राइट एंगल। दिस इंप्लाइज 1 डिग्री इक्वल्स टू 1/90 राइट एंगल। अब हमारे पास डिग्री डी था, तो डी डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा d/90 राइट एंगल। अब डी डिग्री जो है वो थीटा का वैल्यू था, तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू d/90 राइट एंगल। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड सिस्टम जो था वो ग्रेड मेजर था,
तो अगेन इन ग्रेड मेजर, और ग्रेड मेजर में 100 ग्रेड 1 राइट एंगल के इक्वल होता है, तो 100 ग्रेड इक्वल्स टू 1 राइट एंगल। अब 100 ग्रेड 1 राइट एंगल के इक्वल है, तो 1 ग्रेड आपका हो जाएगा 1/100 राइट एंगल। तो दिस इंप्लाइज 1 ग्रेड इक्वल्स टू 1/100 राइट एंगल, और ग्रेड हमने जी लिया था, तो जी ग्रेड इक्वल्स टू जी बाई 100 राइट एंगल, और जी जो है थीटा का वैल्यू है, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू जी बाई 100 राइट एंगल। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। थर्ड हमारा था रेडियन मेजर, तो अगेन इन सर्कुलर सिस्टम, तो सर्कुलर सिस्टम में पाई रेडियन जो है 180 के इक्वल होता है, और 180 मीन्स हुआ 2 राइट एंगल। तो पाई रेडियन का वैल्यू जब 2 राइट एंगल हो गया, तो 1 रेडियन का वैल्यू 2/पाई राइट एंगल होगा। तो दिस इंप्लाइज 1 रेडियन इक्वल्स टू 2/पाई राइट एंगल। दिस इंप्लाइज सी रेडियन इक्वल्स टू 2c/पाई राइट एंगल, और सी जो है थीटा का वैल्यू है, तो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 2c/पाई राइट एंगल। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। थर्ड, अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को कंपेयर करेंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी हैव, अब हमारा रिजल्ट हो जाएगा d/90 इक्वल्स टू c/100 इक्वल्स टू 2c/पाई। यही हमारा रिलेशन था। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लें, तो फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्सन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन एंड कन्वर्सन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कन्वर्सन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन, यानी अगर कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो उस एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के अंतर्गत पढ़ा था कि 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, पाई बाई 180 रेडियन। दिस इंप्लाइज 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। अब 1 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 180 रेडियन हो गया, तो अगर हमें डी डिग्री अगर दिया हुआ है, तो दिस इंप्लाइज डी डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू डी रेडियन हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। इट मीन्स दैट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। आइए अब इसको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन मेजर में कन्वर्ट कीजिए। तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि डिग्री मेजर का जो एंगल होगा वो हमेशा डिग्री में होगा। अगर एंगल आपको मिनट या सेकंड में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिनट को डिग्री में बदलेंगे और सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करके फिर उसको डिग्री में बदलेंगे। और ओरिजिनल यूनिट जब डिग्री में एंगल कन्वर्ट हो जाएगा, तब उसके बाद हम उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में 40 डिग्री और 20 मिनट दिया हुआ है, तो 40 डिग्री 20 मिनट का मतलब हुआ 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। तो 20 मिनट को फिर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो और 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। तो 20 मिनट को हम 60 से डिवाइड करके इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल्स टू 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री।
अभी आपका 20 डिग्री जो है मिनट में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 20 बाई 60 डिग्री। 20 से 60 थ्री टाइम्स में कैंसिल होगा, तो ये आपका हो जाएगा 40 होल 1 बाई 3 डिग्री। और इसको जब हम होल नंबर को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 121 बाई 3 डिग्री। अब इस 121 बाई 3 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ 121 बाई 3 डिग्री इक्वल्स टू 121 बाई 3 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 रेडियन। अब 121 को जब हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 पाई होगा, और 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 = 54 होता है, तो ये आपका 540 हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 121 पाई बाई 540 रेडियन, यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लें, तो फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्सन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कन्वर्सन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री, यानी अगर कोई एंगल रेडियन मेजर में दिया हुआ है तो उसको डिग्री मेजर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के अंतर्गत पढ़ा था कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो हम इसमें लिखेंगे वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री। अगर रेडियन में दिए गए एंगल का वैल्यू अगर r रेडियन हो तो दिस इम्प्लाइज r रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई मल्टीप्लाई r डिग्री। तो r को यहाँ पर 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि रेडियन में अगर कोई एंगल दिया हुआ होगा और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स दैट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। अब आइए इसको हम एनसीईआरटी के एक एग्जांपल से समझते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2 है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। 6 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट कीजिए। तो इसका जब सॉल्यूशन करना होगा तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे 6 रेडियन इक्वल्स टू, हमने अभी देखा कि रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 रेडियन को हम 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारा रिजल्ट होगा 6 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई। अब यहाँ पाई का वैल्यू 22 बाई 7 होता है, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 180 बाई 22 बाई 7। अब अगले स्टेप में यहाँ पर 180 को 22 बाई 7 से डिवाइड किया गया है, तो जब डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, तो अब आपका रिजल्ट होगा 6 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7 बाई 22। 6 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7 बाई 22। अब 2 से 22 जो है आपका 11 टाइम्स में कैंसिल होगा, और 180 जो है ये 90 टाइम्स में कैंसिल होगा। 6 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 होगा, और 42 से 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3780। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 3780 बाई 11। अब हम क्या करेंगे कि 3780 को 11 से डिवाइड करके इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो आएगा 343 और रिमाइंडर आएगा 7।
तो मिक्स फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 343 होल 7/11 डिग्री। अब यहाँ पर 7/11 डिग्री को हम फिर फर्दर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो डिग्री मेजर का जो सब यूनिट मिनट है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद फर्दर इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 343 होल 7/11 डिग्री का अर्थ हो गया 340 डिग्री प्लस 7/11 इंटू 60 मिनट। अभी आपका रिजल्ट हो जाएगा 343 प्लस 7 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 6 = 42, दैट मीन्स 420/11 मिनट। अब 420 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 420 को 11 से डिवाइड करने के बाद इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा आपका 38 होल 2/11। तो अब आपका रिजल्ट होगा 343 डिग्री प्लस 38 होल 2/11 मिनट। अब 38 होल 2/11 मिनट में से 38 मिनट आपका कंप्लीट हो गया। अब 2/11 मिनट को फिर हम फर्दर डिग्री में फर्दर जो है इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2/11 आपको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से फिर हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी हो जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 इंटू 60 सेकेंड। अभी आपका रिजल्ट हो जाएगा 343 प्लस 38 मिनट प्लस 120/11 सेकेंड। अब 120 को 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10.9 सेकेंड के इक्वल। और जब इसको अप्रॉक्स में हम लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लें। तो फिर इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे डिग्री और रेडियन मेजर पर बेस्ड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।